आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में, और सबसे पहले हम देखते हैं एयर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ये हमारा आइसर ट्रैक्टर है, जिसका मॉडल है 241। इसमें देखिए, यहाँ सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर पूरा फिन्स बनी हुई है। ऐसी पूरी फिन्स सिलेंडर हेड के ऊपर बनी रहती है, यहाँ पे इधर भी और पीछे चारों तरफ। एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंजन में चार स्ट्रोक होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो इसमें जो पावर स्ट्रोक होती है, जब इसमें एयर और फ्यूल को दोनों को जलाया जाता है, तो उसमें क्या, जैसे टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो उसका जो टेम्परेचर लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो उस समय क्या करता है, अगर आप इंजन इतना गर्म चलेगा, तो इसमें कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। तो उसके लिए हमको उसमें कोई ना कोई कूलिंग, एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। तो एयर कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, दूसरा यहाँ देखिए, इसके अंदर एक ब्लोअर लगा हुआ है, ये वायर मेश की पूरी जाली है। इसके अंदर एक पंखा है, जिसको ड्राइव कहाँ से दिया जाता है, ये देखिए इधर, क्रैंक पुली से। ये हमारी क्रैंक पुली है, ये वी बेल्ट है, और यहाँ से क्या है, ये एक शाफ्ट है, जिसके ऊपर क्या है, हमारा ब्लोअर माउंट है। तो यहाँ से क्रैंक शाफ्ट से इसको ड्राइव दिया जाता है। जैसे इंजन स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साथ ही ये हमारा ब्लोअर भी घूमना स्टार्ट कर देगा। तो वायर में इससे क्या होता है, जैसे ही इसका पंखा घूमेगा, तो यहाँ से एयर इंटर करेगी, एयर सक करेगी, और क्या करेगी, एयर का फ्लो आगे जाएगा और फिन्स को टच करता हुआ आगे निकल जाएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही एयर फिन्स के ऊपर टच में आएगी, तो उससे हीट ट्रांसफर होके गर्मी लेके आगे निकल जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा जो कूलिंग सिस्टम काम करता रहेगा। इसके ऊपर आप और भी एक पार्ट देखिए, इसको हम बोलते हैं कूलिंग जैकेट। ये पूरा शीट मेटल का बना रहता है, यहाँ भी देखिए और इधर भी देखिए। ये पूरा शीट मेटल का बना रहता है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि जैसे हमारा एयर का फ्लो आएगा, तो वो पूरा एक दिशा में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पूरा जो एयर हमारा वो छिन्न भिन्न हो जाए। और ये देखिए इधर पूरा एयर जैकेट। अब देखिए, जो एयर उधर से आएगी, पंखे के साइड से एयर आएगी, ब्लोअर साइड से, उसको निकलने के लिए यहाँ बहुत कम रास्ता दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एयर मैक्सिमम फिन्स के टच में आए और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो, तभी प्रॉपर कूलिंग सिस्टम काम करेगा। कूलिंग सिस्टम आपको पता है, काम करने के लिए क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा जो फिन्स का जो कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि कूलिंग कितनी होगी। दूसरा होता है कि हमारा जो ब्लोअर की एयर की वेलोसिटी है, हवा कितने प्रेशर से आ रही है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा हमारा जो है डिपेंड करता है कि जो एयर का टेम्परेचर है वो क्या है, उतना ही एयर कूलिंग सिस्टम अच्छा काम करेगा।